माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस व्लॉग। गाइस आज मैं करने वाली हूँ कोरियन हैनबुक चैलेंज। आज मैं कोरियन हैनबुक पहन के इधर उधर यहाँ वहाँ घूमने वाली हूँ और मैं लोगों के रिएक्शन देखूंगी। अगर आपको कोरियन हैनबुक पता नहीं है क्या है, तो वो एक कोरिया का ट्रेडिशनल ड्रेस है, बोले तो कोरिया का लहंगा चोली है। इसके अंदर एक लहंगा होता है और एक इसके अंदर चोली होती है। तो गाइस आई एम सो एक्साइटेड, लेट्स गो, लेट्स वियर कोरियन हैनबुक। ये हमारे पास लहंगा और ये हमारे पास चोली, हो गया ना लहंगा चोली। इसको यहाँ से टिच बटन से बंद कर देंगे और यहाँ पे बो बनाना होता है, पर मुझे बनाना नहीं आता, तो जैसे भी बनेगा मैं वैसे बना लूंगी। गाइस आपको अच्छा बो बनाना आता है? जोंगसू को बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पे मैं जोंगसू को मिस कर रही हूँ। मैं ऐसे ही कुछ ऐसे ही बना लूंगी। उसके बाद मैं पहन रही हूँ ये वाले इयर रिंग्स, सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मैं भी नीचे जा रही हूँ अपने पापा का रिएक्शन देखने और मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है ये ड्रेस दिखाते हुए। रेनू ये देख कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस, अच्छा लग रहा है। कहाँ का लग रहा है? बाहर देश का। पापा ये मेरा ड्रेस देखो कैसा है, पानी गुड़िया लग रहा है। अच्छा आज मैं कोरिया की महारानी हूँ। अरे अरे गाइस मेरे पापा ने मेरी ड्रेस अप्रूव कर दी है। आज मैं सारा दिन ये पहन के इधर उधर घूमूंगी। ठीक है, एंजॉय करें। अच्छा लगा? अच्छा, अगर तेरे को पहनने को मिले तो डालेंगे। चल मैं अगली बार तेरे लिए लेके आऊंगी। ठीक है, ठीक है। मेरा लहंगा बीच में आ रहा है। चलिए सब्जी लेते हैं। चलो गाइस अब मुझे सब्जी लेनी है। हैंडबुक पहन के ही मैं अपनी गली में सब्जी वाले भैया से सब्जी लेने गई और सब्जी वाले भैया मेरे हैंडबुक को देख के बस हंस रहे थे, उन्हें बहुत अजीब लग रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे लग रही है, बट उन्होंने मुझे स्माइल से ही आंसर किया। तो गाइस अभी मैं और मेरा भाई जा रहे हैं मॉल में, मुझे ना मॉल से कुछ कुछ सामान लेना है और वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। ये पहन के जा रही हूँ मैं। क्या ये? ये कोरिया का ड्रेस है, अच्छा नहीं लग रहा? ऐसे जाना मॉल? हाँ ऐसे जाना। मैं नहीं जा रहा नहीं, अब मैं पूरी रेडी हो गई हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा। मुझे लगा था चंडीगढ़ घूमने जा रहे हैं, बट ऐसे बन के गाइस मैं नहीं जानता इसको कौन है। मेरी बहुत बेइज्जती कराने वाली है, बट चलो बहन है तो अब जाना तो पड़ेगा ही मुझे। हेलो डॉगी, मेरा ड्रेस कैसा है? उसको इंटरेस्ट नहीं है इग्नोर करने की। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, सारे को बसा दिया तुमने। मैं गाय से पूछूं मेरी ड्रेस कैसी लग रही है बता। वो तेरी लाल ड्रेस में ऐसे मारे सिंगापुर, कोई टेंशन नहीं दे रहा। उसने दे दी करने वाले काम। तो भाई आज हम पूरा रेडी हैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए बहन के साथ, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हम मॉल पहुंच गए हैं। और गाइस ये जा रही है हमारी कोरिया की महारानी। गाइस ये मेरा महल है, ये देखो मेरा महल कितना सुंदर है। चले अंदर इसके, चले। अरे ये तो इसके तो दरवाजे बंद है, अंदर तो एंट्री बंद है इसकी। मेरा महल मेरे लिए बंद है आज। वाओ कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे फ्लावर्स हैं। ये वाला भी दरवाजा बंद है, बंद है। खुलवाओ इसको यार, कोरिया की महारानी है ऐसे कैसे बंद रखा है? दो आंटीज बैठी है, इंडिया की महारानी है, मैं कोरिया की महारानी हूँ। कोरिया की महारानी लव्स चंडीगढ़।
इतना बड़ा शोर है और अब लोग देखने लग गए हैं, अब मुझे सच में शर्म आ रही है। सोच रही हूँ यार ये कहाँ की क्या ड्रेस है, ये कौन सी शादी पे आई है ड्रेस पहन के, ये अपने जैसी तो नहीं लग रही। बहुत मेहनत के बाद मिली है आइसक्रीम। मैंने ना फर्स्ट टाइम टर्किश आइसक्रीम खाई है। मैं हमेशा ना वीडियो में देखती रहती थी कि लोग ये सब करते हैं आइसक्रीम लेते वक्त, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, और आज मैंने भी कर दिया। वाओ इंडिया में हमारे हर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स होते हैं ना, तो मुझे ना उस वजह से ना अजीब भी नहीं लग रहा अभी पहन के, क्योंकि शायद से सबको ऐसा लग रहा है कि ये किसी स्टेट के दूसरे स्टेट की आउटफिट है या फिर ये कुछ स्पेशल ड्रेस है। और यार मैं अगर कुछ ऐसे अलग पहनना पड़ता है तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। वहाँ पर लोग एक तरीके के कपड़े पहनते हैं तो उस वजह से वहाँ पर ऑकवर्ड लगता है, पर इंडिया में बहुत ही डाइवर्सिटी है तो उस वजह से इंडिया में जो मर्जी पहनो इट्स फाइन। इसकी शक्ल तेरे जैसी है, इसकी शक्ल तेरे जैसी है ये। हमें घूमते घूमते बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो अभी हम फूड कोर्ट में आए हैं और अभी हम यहाँ पे कुछ कुछ खाना खाएंगे। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे हैं दो महाराजा बर्गर, वेज महाराजा बर्गर। अब मैं महारानी बनी हूँ तो मैं महाराजा बर्गर तो खाऊंगी ही ना। दिस इज महाराजा बर्गर। I love it. I wish महाराजा बर्गर कोरिया में होता, पर unfortunately कोरिया में महाराजा बर्गर नहीं है। Guys, मैं ना सोच रही थी कि कभी मनीष मल्होत्रा या सभ्यसाची के भी हैंडबॉक्स बनेंगे तो कैसे कैसे डिजाइन आएंगे, कितने सुंदर सुंदर और कितने महंगे महंगे हैंडबॉक्स बनेंगे। आई एम श्योर कभी ऐसा दिन जरूर आएगा कि कभी इंडियन डिजाइनर्स हैंडबॉक्स बना रहे हो। Guys, अभी मैं वापस घर आ गई हूँ और आज का जो दिन था बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फन था मेरे लिए। और आपको पता नहीं है पर मैं कुछ दिनों में वापस कोरिया जा रही हूँ, तो मेरे पास कुछ ही 6-7 दिन ही है यहाँ पे इंडिया में बिताने के लिए, और मैं ये वाला जो टाइम है वो अपनी फैमिली और अच्छा अच्छा खाना खा के बिता रही हूँ, क्योंकि ये जो मेमोरीज हैं यही मैं वापस कोरिया लेके जाती हूँ। और वहाँ पे अगर मेरा कभी भी मन, मतलब मैं लोनली होती हूँ, तो मैं ये वाली मेमोरीज से अपने आप को ऐसे स्ट्रांग रखती हूँ। जंग से मेरा बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, हमें 1.5 महीना हो गया है ऐसे अलग अलग रहते हुए, तो मैं भी बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ जंग से मिलने के लिए। और तो मैं जल्दी से जाऊँगी, उसको मिलूँगी और हम खूब सारे व्लॉग्स बनाएंगे। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, और अगला व्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा जिसमें आप जंग को देखोगे। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय मेरी दोस्त, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड वी लव यू, बाय बाय, यू गाइस आर द बेस्ट।